जी गुरु, क्या पहले कभी आप लोगों ने ये शब्द सुना है? शायद है ना। वैसे आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि साइबर क्रिमिनल्स आपको अपने जान में फंसाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे थे, और जिगोलो उन साइबर क्राइम्स में से एक साइबर क्राइम है जिसमें लोग आसानी से फंस जाते हैं, और ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम जिगोलो साइबर क्राइम को डिटेल में समझेंगे कि आखिर जिगोलो होता क्या है, कैसे साइबर क्रिमिनल्स लोगों को अपनी जान में फंसा लेते हैं, और आपको इससे बचने के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना होगा, और ये भी जानेंगे कि अगर आप इस फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम जिगोलो का मतलब समझेंगे। जिगोलो एक लड़का होता है जिसे महिला अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम पर रखती है। उन्हें कॉल बॉय और मेल एस्कॉर्ट्स के रूप में भी जाना जाता है, और इस प्रकार की सेवाएं इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। लेकिन साइबर क्रिमिनल्स इस तरह की योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये लोगों को ठगने और उनसे पैसा हथियाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का, और यंगस्टर इस फ्रॉड के शिकार जल्दी बनते हैं। अब हम देखते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स कैसे इस चीज़ को अंजाम देते हैं। पहले साइबर क्रिमिनल जिगोलो सर्विसेज के नाम पर फेक वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाता है, और फिर उसको हर जगह एडवर्टाइज करता है। और वो वेबसाइट्स या एप्लीकेशन इस तरीके से बनाई जाती हैं कि लोग लालच में आकर उनको मैसेज या कॉल करें। फिर जब कोई यंगस्टर उस एडवर्टाइजमेंट को देखता है और पढ़ता है कि इस जॉब में इतना सारा पैसा मिल सकता है, तो वो यंगस्टर लालच में आकर दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करता है। कॉल उठाते ही विक्टिम से बोला जाता है कि अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी। फिर वो पे करने के बाद विक्टिम से उसके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसकी कुछ फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स देखने के बाद साइबर क्रिमिनल विक्टिम को बताता है कि आपको आपकी सर्विस प्रोवाइड करने के इतने पैसे मिल जाएंगे, और विक्टिम इतना बड़ा अमाउंट सुनने के बाद और ज़्यादा लालच में आ जाता है। फिर विक्टिम से और डिमांड्स की जाती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी चार्जेस पे करने के लिए बोला जाता है, और होटल और मेडिकल चार्जेस भी मांगे जाते हैं। जैसे ही विक्टिम वो सब कुछ पे करता है, उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाता है, और कभी कभार साइबर क्रिमिनल्स विक्टिम से और पैसा लेने के लिए उनको डराते धमकाते भी। अब मैं आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप इससे बच सकते हैं। ऐसे किसी भी ऑफर या लालच में ना आए जो आपके इमोशंस का फायदा उठाकर आपके साथ फ्रॉड करते हैं। बिना सोचे समझे किसी को भी अपनी फोटोग्राफ या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की स्टेटमेंट्स ना दें। कभी भी ऐसी जॉब्स के लिए कोई भी अमाउंट पे ना करें। इस प्रकार की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर भरोसा ना करें। इस प्रकार की जॉब्स के झांसे में ना आए जिसमें आपको बदले में पैसा देना पड़े। कभी भी कोई भी चीज़ लालच में आके ना करें। अब हम समझेंगे कि अगर आप इस फ्रॉड का शिकार बन गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। किसी भी नज़दीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन कंप्लेंट करवा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और इंडिया के जाने माने साइबर एक्सपर्ट मिस्टर अनुराग सिंह की वेबसाइट anuragsinh.com पर जाकर भी उनसे सलाह ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो से जिगोलो साइबर क्राइम के बारे में अच्छी से जानकारी मिल गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।